अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं अनम नजम और इनके बारे में सब लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा सिर्फ मैं तारुफ करा देता हूँ कि ये मेडिकल डॉक्टर हैं और ये साइकेट्रिस्ट हैं और अभी ये मास्टर्स कर रही हैं किंग्स कॉलेज लंदन से वॉर और वॉर साइकेट्री के अंदर, और ये टेररिज्म से रिलेटेड जो कि एक सोशल इफेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, उस पर कर रही हैं और उसके बाद इन्होंने PhD करना है। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी के और भी कुछ आस्पेक्ट है जो कि मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू के दौरान ही रिवील होंगे। तो मैं यहाँ आया हुआ था, ये मुजफ़्फ़राबाद का खूबसूरत, ये ज़रा दिखाइए बाहर का मंज़र, दिखाइए ज़रा, ये देखिए, तो ये मुजफ़्फ़राबाद का एक खूबसूरत मंज़र है। तो मैं यहाँ, ये अनम चूँकि मेरी बिटिया भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं बहुत, ठीक है ना, 50-50 हैं, ये मेरी बहुत दोस्त हैं और बहुत प्यारी बेटी हैं मेरी, तो इनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और ये एक तरह से मैं इनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ और इनसे मोटिवेशन भी लेता हूँ और इसके अलावा इनसे सीखता भी हूँ, क्योंकि ये साइकेट्रिस्ट हैं और तो हो सकता है कि मतलब मेरा ये इनडायरेक्टली इलाज भी करती हूँ। तो अनम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, यू आर सो जेनरस और आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और आप उन शख्सियात में से हैं कि जिनकी मौजूदगी में एक ऑरा होता है और आप जब बैठते हैं उस महफिल में तो आपको लगता है कि आप फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई और बातचीत हम जनरल करेंगे। थोड़ा सा वो हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो कि जो आपकी ज़िंदगी में हुआ, तो हल्का सा उसका बैकग्राउंड के बाद फिर मालिश शुरू करते हैं। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, मेडिकल कॉलेज AU मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, 2008 की बात है और मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट था। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी और कुछ डाकू थे जिन्होंने फायर किया और उनकी जो गोली थी वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में लग गई C7 पर, जिसकी वजह से मेरी दोनों टांगें और दोनों बाजू हाथ जो हैं वो पैरालाइज हो गए थे। उसके बाद एक वही जो सारा मेडिकल ट्रीटमेंट और इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम किया 5 महीने के बाद आई थिंक, और फिर मैंने अपना जो अपने सेशन के साथ मैंने अपनी MBBS की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। और जिस वक्त ये था तो उस वक्त आपकी टांगें भी पैरालाइज थी जी, आपके मेरी हाँ जी, नेक होल्डिंग भी नहीं थी, मैं अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकती थी हाँ। और मेरे बाजुओं में बस इतनी ताकत थी कि मैं थोड़ा सा उठाती थी तो वो गिर जाते थे और हैंड ग्रिप नहीं थी और नर्व्स के जो पेन। माइक ठीक कर दूं थोड़ा सा, जस्ट आप छोड़िए, मैं करता हूं, आई थिंक दिस विल बी बेटर, ओके थैंक यू। और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है बेसिकली, इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पैरालिसिस, कि आपको बाज़ाहिर ये लग रहा होता है कि प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा चल नहीं सक रहा या हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बंदा खुद जिन चीज़ों से बॉदर हो रहा होता है ना, वो इससे कहीं डीप होती हैं और वो आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं। सर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जैसे आप सॉरी इसको उधर रख दीजिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नर्व के पेन्स थे, न्यूरोपैथिक पेन्स थे, वो इतने शदीद होते थे कि मेरे बाजू मुझे लग रहा होता था कि जल रहे हैं, मेरे हाथ जल रहे हैं और मैं पूरी पूरी रात पानी की एक डिश ट्रे रख के उसमें मैं हाथ रख के सोती थी। मैं अपने हाथ को किसी चीज़ से टच नहीं कर सकती थी, कोई भी टच होता था या किसी भी किस्म की कोई भी स्टिमुलस होता था तो वो मुझे शदीद पेन और बर्निंग में फ़ील होता था। और मुझे याद है कि शायद शुरू के बहुत साल मैं रात को सोते हुए भी अपने बेड का जो हेड एंड है उसके साथ अपना बाजू लटका कर सोती थी कि मेरा हाथ किसी चीज़ के साथ टच ना हो जाए। क्लास में जब मैं जाती थी तो मैंने कोल्ड पैक्स रखे होते थे और उनके ऊपर मैं हाथ रख के बैठती थी क्लास के अंदर। फिर क्योंकि इसके साथ जो है ये यूरिनरी कैथेटर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ जो पेशाब का कंट्रोल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो कैथेटर की वजह से इन्फेक्शन रिपीटेड होने और वो बुखार है और इन्फेक्शन चल रहा है और उसी हालत में मैं क्लास में बैठी होती थी, तो वो एक बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स थे, कभी डायरिया हो रहा है और बाउल मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही है, तो ब्लड प्रेशर के मसाइल इसके साथ हो जाते हैं अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हाई है। प्लीज़ कैरी ऑन। अच्छा, हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो उसके साथ ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं कि कभी मेरा ब्लड प्रेशर 40/20 पे चला जाता था और कभी 220 क्रॉस कर जाता था। तो इस किस्म के बहुत से मेडिकल इश्यूज थे और हमें लाइक एक आपने ज़िंदगी गुजारी होती है, आपको अपनी बॉडी का पता होता है, अब एक ऐसी बॉडी आपको मिल गई है कि जिसका सिर पैर आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया, ठीक है, और उसके साथ आपको कोई बुकलेट भी नहीं आया इंस्ट्रक्शंस का कि मैं खोल के पढ़ूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो एक काफ़ी मुश्किल चीज़ जी। मौके पर तो
एकदम सारा मोराल नीचे चला गया होगा और एकदम डिप्रेशन की फेज चली गई होगी, तो आपने कहाँ से हिम्मत ली और वो ज़रूर बताइए। अच्छा सर, शुरू में जो मेरा टाइम था ना उसमें मैं डिप्रेशन में नहीं गई, और दो तीन चीज़ें थी जो मुझे बहुत हेल्प करती रहीं थ्रू आउट इस सारे टाइम में, और जब मैं डिप्रेशन में गई भी तो ये दो चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। एक इलामा इकबाल का शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और दूसरा एक कुरान की आयत है, उसको शायद मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेट ना कर पाऊँ, लेकिन उसका मीनिंग कुछ इस तरह से है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में चली जाती थी और मुझे लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे ये चीज़ होती थी कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, कि मैं अगर कोशिश करूंगी तो ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह अपने किताब में कह रहा है कि इंसान के लिए वही। आपका ईमान पहले इतना मजबूत था या इस वाक़े ने एकदम आपको वो कर दिया? देखिए, ये आयत तो हम सबने सुनी हुई है और इलामा इकबाल का तो सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें तो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेरी सब स्टेज में, मैं मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था ना, मेरी सब स्टेज में मैं फेल हो गई तो उस पर क्या ख्याल है कि मैं, दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ या ये है कि तो ये तो ये सारी बात, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोग परेशान हो जाते हैं। और एक इतनी एक यंग, आपकी 21 साल उम्र, 21 ईयर्स, तो 21 साल की उम्र में एक लड़की जो कि डॉक्टर बन रही थी, तो एकदम उसकी 1/3 बॉडी रह गई और 2/3 बॉडी उसकी एक अजनबी बॉडी बन गई, लेकिन उसको बोझ के तौर पर साथ कैरी भी करना था। तो लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि क्या एक आयत और एक शेर पढ़ के एकदम आदमी इतना करेज हासिल कर सकता है। सर देखिए, एक आयत, एक शेर या एक सोच या एक जज्बा, ये मैटर करता है कि वो आपके लिए पहले से कितना मैटर कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन दोनों चीज़ों की हम बात करें तो इनमें एक स्पिरिचुअल आपको कंटेंट मिलता है, तो आई थिंक कि मेरा जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन था वो पहले से बेहतर था। बल्कि एक बात मैं अक्सर फ्रेंड्स को सुनाती थी, बहुत फ़नी सी बात थी कि हम लोग मैट्रिक का हमारा इम्तिहान था तो इंग्लिश का ऐसे आया माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि अब मैं किसी भी फ्रेंड पर लिखूँ तो मैं कितना एक अच्छा ऐसे लिख लूँगी यार पेपर में। फिर मैंने माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अल्लाह लिखकर उस ऐसे को किया था, तो वो मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रही हूँ कि लाइक मेरे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन एक तो वो चीज़ चल रही है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसको मैं ही मिली थी कि मुझे पैरालाइज कर दे। नहीं, ऐसा इस तरह का कोई नहीं ख्याल, रिविलियन ख्याल नहीं आया इसे। नहीं, देखिए उसमें ऐसा था कि बल्कि मेरे इस वाक्य, जो मेरी ज़िंदगी में वाक्य पेश आया उससे कुछ दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड को कह रही थी कि मुझे तो सर में दर्द भी नहीं होता, मुझे तो बुखार भी नहीं होता, मुझे कुछ भी नहीं होता यार, अल्लाह ताला तो कहता है कि वो अपने जिनसे प्यार करता है वो उन पर ये तकलीफ़ें भेजता है, तो मुझे क्यों नहीं होता, इसका मतलब मैं उसको प्यार ही नहीं हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ थी कि आई एम वन ऑफ द सिलेक्टेड वंस, और मुझे इस चीज़ में वाई मी वाला ख्याल इसलिए भी नहीं आता था कि मुझे लगता था कि अल्लाह के जो अजीज़ लोग थे, अल्लाह को जो प्यारे लोग थे, अगर उनकी ज़िंदगियां आप उठाकर देखें तो उनकी ज़िंदगियां तो आजमाइशों से भरी हुई हैं। ठीक है, आप किसी नबी की, नबी से प्यारा कौन होगा अल्लाह को, आप उनकी ज़िंदगियां उठाकर देखें, किसी की भी ज़िंदगी बेड ऑफ रोज़ेस नहीं थी। ठीक है, उन्होंने क्या क्या मुश्किलात नहीं देखी हैं। तो मुझे ये था कि ठीक है, एज़ लॉन्ग एज ही इज़ विद मी एंड ही लव्स मी, इट्स ओके, इट्स ओके। और वाई मी वाली जो चीज़ थी कि शिकवा होना, या एक होता है ना कि मेरी अभी उम्र ही क्या थी, अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना होता, या इस किस्म की कोई चीज़, तो उसमें मेरा, मुझे ऐसे लगता था कि मैं 21 साल की उम्र तक ये सब नेमतें मेरे पास थी जो आज मुझसे छिन गई हैं, 21 साल तक मैंने कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया था कि मैं चल सकती हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैंने कभी शुक्र अदा नहीं किया। तो अगले कम अज़ कम अगले 21 साल मुझे शिकवे का हक़ नहीं है कि मैं कहूँ कि या अल्लाह तूने मुझसे क्यों ले लिया भाई, जब आपने थैंक यू ही नहीं किया था, आप किस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं, आपने उस गिफ्ट को उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो अच्छा, अब ये है कि अभी जब सुबह हम बात कर रहे थे ये दर्शन के आने से पहले, कि अब नीचे वाली बॉडी जो है उस पर आप हाथ लगाती हैं तो पता नहीं लगता कहाँ तक, पेट तक, आप समझ लें कि ये बगल के लेवल तक, यहाँ तक जो है वो आपकी बॉडी का, बल्कि मेरे जो बाजू और हाथ हैं इनकी भी जो ये साइड है इसमें मुझे सेंसेशन नहीं है, और बाहर की तरफ है, मीडियल साइड पर है जी, और जो अलर साइड के ऊपर नहीं है। अच्छा, तो अब इसका एक मतलब हम बाजू का देखें ना, मैं ये बातें अक्सर अपनी वो ट्रेनिंग में कहता था कि देखें अगर ये मेरा हाथ कट जाए तो ये जो हाथ पड़ा हुआ है तो ये तो जावेद इकबाल नहीं है, तो इसका मतलब जावेद इकबाल उसके अलावा है, ये हाथ भी कट जाए तो फिर भी हम कहेंगे, जब टांगे भी कट जाएं तो फिर, तो अच्छा अगर कोई ऐसा सिस्टम हो कि हार्ट और लंग का फंक्शन भी कोई मशीन कर ले तो फिर भी वो इतना निकल जाए तो तब भी ये इतना सा जावेद इकबाल है, तो जावेद इकबाल क्या है? तो यू आर द राइट पर्सन कि जिससे हम पूछ सकते हैं कि मैंने कभी भी आपको, मैंने हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखा है,
और आप ज़रा फोकस करें, देखिए इनकी मुस्कुराहट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग अपने होंठों से मुस्कुराते हैं तो ये इनका दिल मुस्कुराता है इनकी मुस्कुराहट से। थैंक यू। तो ये हमें समझाएं कि ये क्या रिलेशन है बॉडी का, क्या रिलेशनशिप है अपने आप से, यानी मैं और मेरी बॉडी का क्या, ये माइंड ब्रेन कॉम्प्लेक्स और इसका क्या, आप किस, क्योंकि आप तो आपसे ज़्यादा कौन समझा सकता है। सर इसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगी कि एक शख्स हमारा कोई भी करीबी अजीज़ कोई भी होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उससे पहले लेट से कोई भी उसका एक्स वाई जेड जो भी नाम है, वो हमारी ज़िंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट होता है, उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो बॉडी होती है ना, हम उस बॉडी को उसका नाम लेकर नहीं कहते कि ये फलां शख्स है, हम कहते हैं उसकी बॉडी है, उसकी डेड बॉडी है, वो चला गया, वो हमें छोड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो जिस्म नहीं था, वो रूह थी, क्योंकि गई तो रूह है। तो इट मीन्स कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वी आर बेसिकली स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। और इसी चीज़ को हम अगर इस रोशनी में देखें कि जो कल आपने अपनी वर्कशॉप के दौरान बात की कि चार चीज़ें हैं कि इंटेलिजेंस कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है, स्पिरिचुअल है और फिजिकल है, तो अब ये चारों मिलकर एक इंसान बनाते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल कोशेंट जो है वो उसका जो है स्कोर कम हो गया तो बाकियों को काउंटर करना पड़ता है, बाकियों को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, बाकियों को डेवलप होना पड़ता है, बाकी बड़े हो जाते हैं, वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो फिर वो कॉम्पेंसेट करते हैं आपको, फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस को उस फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं, आपकी स्पिरिचुअल साइड स्ट्रांग हो जाती है, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, या आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो लाइफ जो है ना वो बैलेंस करती है, वो आपको खाली नहीं छोड़ती है। और एक और बात कि जब अल्लाह ताला इंसान को किसी भी किस्म की कोई आजमाइश, किसी भी किस्म का कोई किसी मुश्किल में डालता है तो वो इंसान को हिम्मत भी वही देता है, वरना इंसान की ये मजाल नहीं है, ये औकात नहीं है कि वो अल्लाह की दी हुई तकलीफ़ का मुकाबला कर सके। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने बेस्ट फ्रेंड में ये लिखा था, और बाद में मेरी ज़िंदगी में वो वक्त भी आए कि मैं इस कदर तकलीफ़ में होती थी और मैं अल्लाह ताला से लाइक अल्लाह के साथ मेरा इस तरह का ताल्लुक हमेशा से रहा है कि आई टॉक टू हिम, ठीक है, और जब मुझे बहुत प्यार कभी महसूस होता है तो आई किस हिम, और मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि वो जो सजदे में जाकर जो आप क्लोजनेस फील करते हैं ना, तो क्योंकि अब मैं सजदे में नहीं जा सकती, मैं उस पोजीशन को बहुत मिस करती हूँ। तो मैं कहूँगी कि जो लोग उस पोजीशन को इंजॉय कर सकते हैं वो ज़रूर उससे जो है मुस्तफ़ीद हों कि वो पोजीशन जो है ना उसकी बात ही और होती है। तो बहुत से वक्त ऐसे भी आए कि मैंने अल्लाह ताला से लड़ाई की कि और आई वॉज़ लाइक या अल्लाह मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा दर्द ख़त्म कर दो, प्लीज़ मेरा ख़त्म कर दो, और फिर मैंने आपसे कहा सॉरी बहुत चाइल्डिश लगेगा बट मैं कहती थी कि जब मैं बहुत तकलीफ़ में होती थी कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, ठीक है, हाँ मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, बस ले लो मुझसे, मुझे नहीं ये दोस्ती रखनी। तो और फिर मैं कहती थी कि नहीं, मैं बहुत हकीर बंदा हूँ, मैं शायद दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सक रही, मेरी बस हो गई है, या अल्लाह मुझसे दोस्ती ले ले, मुझे अपना बंदा ही रख। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर आपको यूनिलैटरली लगता था कि कोई बायलैटरल फीलिंग या एक्चुअल क्या तजुर्बा है? कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो कि एक तो फीलिंग जब आप वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक तो वो जो उस वक्त की प्रेजेंस का एहसास होता है उसके अंदर कि आप सुने जा रहे हैं, ठीक है, और वो है आपके साथ है, एक तो वो एहसास, और फिर कुछ ख्वाब और कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनसे आपको एक लगता है कि अच्छा जवाब आया कि जो कुछ है उसका जवाब। हाँ, अच्छा दूसरा ये है कि मैंने आपसे कल भी पूछा था जब वर्कशॉप में बैठे थे, तो मैंने कहा था कि आप खुश रहती हैं, तो 24 घंटे में से कितना अरसा खुश रहती हैं? यानी ये सवाल मैं एक लड़की से पूछ रहा हूँ जो कि आपके सामने है, कि अगर आप उसकी फिजिकलिटी को देखें तो वो 1/3 फिजिकलिटी है, यानी यहाँ से नीचे की जो बॉडी है वो सिर्फ उसको कैरी करनी पड़ रही है, और जो कुछ है वो बॉडी के इतने हिस्से नहीं करना है। तो वो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि और ये वो है जो मास्टर्स कर रही है किंग्स कॉलेज लंदन में, और ये वार साइकोलॉजी में मास्टरिंग कर रही है, और ये पीएचडी करके अभी कोई नई तहकीक करेगी। सर मेरे ख्याल में मैं उतना ही खुश रहती हूँ जितना कि कोई भी शख्स रहता है। अच्छा अब ये बात ना अभी मुझे समझाए कि वो सारे लोग जो खुश नहीं रहते इसलिए कि उनके पास पैसे कम हैं, या इसलिए कि उनकी शादी अपनी मर्जी से नहीं हुई, या इसलिए कि उनके रिलेशंस ब्रेक हुए, या इसलिए कि उनका घर छोटा है, या ये कि उनके पास गाड़ी नहीं है जबकि बाकियों की गाड़ी है, और या ये वो लोग कि वो ना हर्ट हो जाते हैं लोगों की बातों से और उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हो गई, तो वो जो गुर आपने सीखा कि
टू थर्ड ऑफ बॉडी ना होने के बावजूद आप सारा दिन हंसती रहती हैं और खुश रहती हैं और सब लोगों को अपने इर्द गिर्द एक महफिल बना के रखती हैं, तो उन लोगों को और उनमें मुझ जैसे बेशुमार लोग होंगे, तो उनको कोई ऐसा टेक होम मैसेज, कोई टिप जिससे वो समझ सकें इस बात को? सर देखिए, एक तो ये कि सारा दिन तो कोई भी खुश नहीं रह सकता, मतलब मैं भी नहीं। हाँ जी ठीक है। अच्छा, उसमें सर ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि अगर ज़िंदगी आपके साथ कोई भी बुरा, कुछ भी आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है, या जैसे मेरे केस में ये एक कंडीशन है, तो कोई भी ऐसा मसला अगर आपके साथ है, तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी ने मेरे मुँह पर तमाचा मारा है, ठीक है, तो अब ज़िंदगी ने आपके मुँह पर तमाचा मारा है, तो वो उसको आप अपनी ज़िंदगी का रोग बना के दूसरा तमाचा आप खुद अपने मुँह पर मारते हैं, ठीक है। वही बात है कि अगर इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, तो फिर आप उसका लेमनेड बना लें। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है कि आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी खुशी को किसी चीज़ के साथ एसोसिएट ना करें कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश हो सकता हूँ, कि मुझे ये चीज़ खुश कर सकती है, नहीं, जो है पहले आप उसको देखें, आप उस पर खुश हो जाएं। तो खुद हिम्मत करके खुश हो सकता है बंदा? बाज़ औक़ात हो सकता है और बाज़ औक़ात नहीं भी हो सकता। देखिए, जो सैडनेस है वो भी एक बेसिक इमोशन है, और उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको एंजॉय करें। हाँ ठीक है, उदासी, मैं आज उदास हो गई है तो चलो शाम है, हाँ मैं आज उदास महसूस कर रहा हूँ, कल ठीक हो जाएगा, लाइफ गोज ऑन। उदासी का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट गोज़ ऑन, कुछ भी हो जाए, कख ना रहे बंदे का, लेकिन लाइफ गोज ऑन। और ये एक बहुत, अगर सोचा जाए तो एक बहुत पुरुमीदी वाली बात है, बहुत बड़ी होप है ये कि लाइफ गोज ऑन, कि आज अगर ये अंधेरा है तो कल रोशनी हो जाएगी, मैं कुछ ना भी करूं, मैं बैठा रहूं, खुद ब खुद हो जाएगी, और मैं करूं तो मैं और जल्दी रोशनी में चला जाऊं। और एक और चीज़ सर जो मैं कहना चाहूँगी कि अपने हिस्से की जो एफर्ट है ना, वही कुरान की आयत कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, बिल्कुल वो कोशिश जो है उसको किए बगैर आप शिकवा ना करें ज़िंदगी में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोशिश नहीं करते हैं, हम बैठ के शिकवा करते हैं, मेरे साथ ये हो गया और मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा, हमने कोशिश नहीं की होती। कोशिश जब आप करते हैं ना, तो आप डिटर्मिन होके करें, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए हर पॉसिबल जो एक जायज़ तरीके से जो काम किया जा सकता है उसको करें, लग जाएं उसमें, और फिर देखें। बाज़ औक़ात आपको वो मकसद हासिल नहीं भी होगा, लेकिन वो जो आपकी लगन है, वो जो प्रोसेस है, वो जो तमन्ना की लज्जत है ना, तमन्ना की लज्जत हासिल के सुकून से बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इटसेल्फ रिवॉर्ड होता है, जो जर्नी है इटसेल्फ वो इतना खूबसूरत होता है कि मंजिल की कोई अहमियत उसमें नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, अब वो सेशन भी शुरू होने वाले हैं जी। मेरा दिल तो चाहता है बातें करते रहें, वैसे तो मैं आपके साथ रबते में रहता हूँ। अब आप परसों जा रही हैं लंदन जा रही हैं, फिर वहाँ जाके फिर पढ़ाई बढ़ा, आपने एग्जाम देना है बस उसके बाद जी। अच्छा, बस आखिर मेरे जहन में आया कि वो आपकी फेसबुक पे तस्वीरें देखता रहता हूँ कि आपने वो जो है वो सेविंग जैकेट पहनी हुई है, और वो आप वो यॉट के अंदर बैठी हैं, और आप गिलगित पहुँच गई व्हील चेयर के साथ ही, और फिर आप अपनी दोस्तों के साथ वो बुश वॉक पे चली जाती हैं, और बाकी तो वो कैसे, कहाँ से इतना आता है हौसला और सारा? सर मुझे ये लगता है कि अब ठीक है, जो है सो है, ठीक है, मुझे लाइफ एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मेरे ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं हैं जो कि मेरी एज के बाकी लोगों पर हैं, ठीक है, कि मैं उनमें फंसी हुई नहीं हूँ। हाँ। और आई लिटरली मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि मैं फंसी हुई नहीं हूँ, तो मैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ओपन विंडो है, मैं क्यों ना लाइफ को इन्जॉय करूँ, मैं क्यों ना दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम है। आप आपका हाथ मूव करना जी सर, मेरी अभी फाइन ग्रिप नहीं है, लाइक मैं कुछ होल्ड नहीं कर सकती। कि आप एक बेल्ट पहन के जी, और उसके साथ मैं लिखती हूं। जी जी, वो एक बेल्ट से आप उसको पकड़ लेती हैं और उसको लिखना शुरू जी, मैं उसके साथ लिखती हूं। बिल्कुल सर। और खाना खुद खा लेती हूं? खाना जैसे, हाँ जी, स्पून के साथ कर लेती हूं, लेकिन अगर पीसेस करने हैं, रोटी वगैरह है, तो वो फिर मैं खुद नहीं कर सकती। यानी हैंडीकैप तो मैं इसको नहीं कह रहा, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं क्या लफ्ज बोलूं। सर डिसेबिलिटी कह दें, मजदूरी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं कहते हम, कहते हैं जो आप डिफरेंट हैं बाकियों से, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कहना जो है ना, वो आपके उस जज्बे के साथ की तौहीन होगी। तो ये जो अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ थोड़ा सा बनाया है, ये कह सकते हैं, तो उस सारे के अंदर क्या चीज़ मिस करती हैं? कुछ मिस करती हैं ऐसा जो क्रॉस? नॉट रियली, नहीं। और अगर ये वाकया ना होता तो आप इसी तरह जैसे हम बैठे हैं ऐसी बैठी होती, और अब जब आप व्हील चेयर में और बैठी हैं, ऐसे एक आप बाहर से एज एन आउटसाइडर देख के कहें कि वो ज़्यादा अच्छा होता, कि अब मैं ज़्यादा एक मेरे पास ज़्यादा एक स्कोप है अपनी ज़िंदगी का।
सर मुझे अगर आज भी मौका मिले ना कि अपनी ज़िंदगी को मैं किसी दूसरे की लाइफ के साथ एक्सचेंज करूँ, आई वुड नेवर डू इट, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है मैं इसके लिए ट्रेन हो चुकी हूँ. मैंने जो मास्टरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हासिल किया, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है, और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है ये, और आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक देयर. देखें, ये अनम जो है ना, ये मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है. और आई एम श्योर कि आपने भी सारी गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें, ऐसा आपका ना पूरा पैराडाइम चेंज हुआ होगा, सोचने का अंदाज चेंज हुआ होगा, जाविया निगाह चेंज हुआ होगा. तो वाकई जो ज़िंदगी है ये सबसे बड़ी नेमत है, ये जो हमारे सीने में धड़क रही है और ये जो एक सांसों की शक्ल के अंदर आ रही है, और ये मैं कोई नहीं बात कर लेंगे, कर लेंगे. हाँ, कोई नहीं जी, जी मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुमसे फोन पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये जो ज़िंदगी हमारे सीने में धड़क रही है और ये सांसों के ज़रिए अंदर जा रही है, यही असल में एक मेन सॉफ्टवेयर है जो कि चला रहा है इस पूरी सारी कायनात को. और ये अल्लाह ताला ने हमें दी है और सबको बराबर दी है. और कुछ अनम जैसे होते हैं कि जिनको उनकी सही समझ में आ जाती है और उसको फिर अपनी ज़िंदगी को बरतने का उनको सलीका आ जाता है. और कुछ हम जैसे होते हैं कि जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान होके और उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की शक्ल में हमें दी है. मैंने मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, लेकिन आप तो खुद साहिब दुआ हो, मैं क्या मेरी दुआ की क्या हैसियत है, आप खुद दुआ हो. और मुझे ज़िंदगी में बहुत खुशी होती है कि यू आर इन माई लाइफ एज अ फ्रेंड, एज लाइक अ यंगर सिस्टर और लाइक अ डॉटर. तो आप मेरी ज़िंदगी में इस तरह से हो और मैं इस बात को बहुत ही. और अनम बहुत अच्छी शायरा भी है. अनम ने मुझे चार शेर सुनाए थे कल वाले, वो अब सुनाओ फिर उसके बाद इजाजत देते हैं. ठीक है. आलम कुन में मुजस्सम हूँ बड़ी मुद्दत से, आलम कुन में मुजस्सम हूँ बड़ी मुद्दत से, खाके बरहम हूँ मगर नम हूँ बड़ी मुद्दत, खाके बरहम हूँ मगर नम हूँ बड़ी मुद्दत से. तूने तकमील बुते जान से मुँह मोड़ लिया, तूने तकमील बुते जान से मुँह मोड़ लिया, मैं अधूरा हूँ मैं कुछ कम हूँ बड़ी मुद्दत. वाह वाह, मैं अधूरा हूँ मैं कुछ कम हूँ बड़ी मुद्दत से. हाँ मैं इबलीस खताकार हूँ मगर देखो, वाह वो अना थी बड़ा नादम हूँ बड़ी मुद्दत से. और आखिरी शेर है, किस्सा हव्वा व आदम से फकत ये जाना, मैं वो भटका हुआ आदम हूँ बड़ी मुद्दत से. ओके, जीते रहो. बहुत बहुत शुक्रिया आज़म शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक कैमरा पकड़ के रखा. थैंक यू.